के कवियों का अध्ययन करना है और उस समय की काव्य प्रवृत्तियों का अध्ययन करना है। चलिए हम जल्दी जल्दी ये समझने का प्रयास करेंगे कि किन किन कवियों का आधुनिक किन किन कवियों का हमें विस्तार से अध्ययन करना है जो हमारे पाठ्यक्रम में है। ऐसा नहीं है कि हार्दिक प्रथम प्रश्न पत्र के आधुनिक काव्य में हम केवल उन्हीं कवियों का अध्ययन करेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में है। जो हमारे पाठ्यक्रम में है उनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, उनकी रचनाओं जो रचना उनकी है उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके अलावा जो अन्य कवि हैं छायावाद करके उनका सामान्य परिचय जानने का प्रयास करना है हमें। तो देखिए आपके पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण कवि है मैथिली शरण गुप्त। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है साकेत। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना का नाम साकेत है। साकेत का आपको नवम सर्ग पढ़ना है। साकेत महाकाव्य का नवम सर्ग आपको पढ़ना है। साकेत का कौन सा सर्ग? नवम सर्ग। फिर इसके बाद हमें जो दूसरे कवि पढ़ने हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद और उनकी कामायनी का एक सर्ग हमें पढ़ना है। कामायनी का एक सर्ग। कामायनी का एक सर्ग। यानी छात्रों आप ये समझ लीजिए कि आपके पाठ्यक्रम में कामायनी का ईड़ा सर्ग है। कामायनी का एक सर्ग आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है और हमें पढ़ना कौन सा एक सर्ग है? ईड़ा सर्ग। कामायनी का ईड़ा सर्ग पढ़ना है। फिर इसके बाद तीसरे कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तीसरे महत्वपूर्ण कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनकी हमें तीन दो कविताएं पढ़नी है, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति। इनकी कितनी कविताएं पढ़नी है? दो कविताएं राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति। सरोज स्मृति ये दोनों महत्वपूर्ण कविताएं हमें पढ़नी है। और तीसरे हमारे महत्वपूर्ण कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार पंत भी कहा जाता है। उनका अध्ययन हमें करना है। सुमित्रा नंदन पंत इनकी हमें तीन कविताओं का अध्ययन करना है। वो तीन कविताएं हैं रस्म, तीन कविताएं रस्म, परिवर्तन और ताज। ठीक है छात्रों, तो हमने ये देखा कि आधुनिक काल में हमें छायावाद तक के जो कवि हैं चार महत्वपूर्ण कवियों का विस्तार से अध्ययन करना है। मैथिली शरण गुप्त के का महाकाव्य में साकेत, साकेत का नवम सर्ग हमें पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद की सबसे महत्वपूर्ण कृति है कामायनी में 15 सर्ग है। चिंता से लेकर आनंद सर्ग तक उन 15 सर्गों में से एक सर्ग में ईड़ा सर्ग का विस्तार से अध्ययन करना है। फिर इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दो कविताओं को पढ़ना है, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति। राम की शक्ति पूजा ऐसी कविता है जिसमें भगवान श्री राम जब रावण से युद्ध करते करते कई दिन बीत जाते हैं तो राम के अंदर थोड़ी निराशा आती है। लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है। लक्ष्मण को मेघनाथ द्वारा जब शक्ति लगा दी जाती है
बढ़ता है और फिर से वो युद्ध करने के लिए अग्रसर होते हैं। फिर इसके बाद चौथे जो महत्वपूर्ण कवि हैं, प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इनकी तीन कविताओं का अध्ययन करना है, रश्मि का, परिवर्तन का और ताज का। रश्मि ऐसी कविता है जिस कविता में इन्होंने आजादी देने के लिए हमारे देश के वीर सपूतों द्वारा किए जा रहे अंधेरे में प्रयास का अध्ययन, अंधेरे में किए जा रहे प्रयासों का अध्ययन करना बताया। फिर इसके बाद परिवर्तन जो कविता है वो ये कहती है कि अब वो पुरानी परंपराओं को आप छोड़ दीजिए, पुरानी परंपराएं शिथिल हो चुकी हैं। कैसे? जैसे कि यदि हम कपड़े पहनते हैं या वृक्ष नए पत्ते लेते हैं, फिर जब एक वर्ष बीत जाता है तो पतझड़ का मौसम आता है और पेड़ भी पुराने पत्तों को झाड़ देते हैं और नए पत्तों को लेते हैं। उसी तरह से जो परंपराएं होती हैं तत्कालीन समय में तो वो अत्यंत उपयोगी होती हैं, किंतु धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता जाता है उसी तरह से प्रवृत्ति और परिस्थिति भी बदलती जाती है और परंपराओं में परिवर्तन करना अत्यंत ही आवश्यक हो जाता है। इस बात को पंत जी ने अपनी परिवर्तन नामक कविता में बताया है। ताज नामक कविता में उन्होंने दो बिंदुओं को ध्यान में रखा है, पहला तो आगरा का ताज महल और दूसरा राजाओं द्वारा पहने जाने वाले मुकुट का, यानी दो बिंदुओं को लेकर उनका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। तो तीनों कविता प्रकृति के, क्योंकि सुकुमार कवि हैं, तीनों में प्रकृति की ही बातों का समावेश किया गया है। अब इसके बाद इन चार कवियों के अलावा हमें दूसरे पाठ में दो और कवियों का अध्ययन विशेष अध्ययन करना है, जिनकी कोई कविताएं नहीं है, जिनके बारे में पढ़ना है, महादेवी वर्मा और इसके बाद हरिवंश राय बच्चन जी ठाकुर। पहला महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। तो छात्रों ध्यान देना होगा कि इन चार कवियों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे और महादेव वर्मा तथा हरिवंश राय बच्चन का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब ये हो गया, हो यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। फिर इसके बाद अब मैं चलूंगा आधुनिक काव्य के बारे में आपको पढ़ना दे कि आधुनिक काव्य आदिकाल या
43 ईस्वी तक आदि काल का समय माना जाता है। मध्य काल के दो भाग हैं। कितने भाग हैं? दो भाग हैं। भक्ति काल और रीति काल। भक्ति काल और रीति काल। तो अगर हम इसका इसके समय का निर्धारण करना चाहें तो 1343 से 1843 ईस्वी तक इसका समय है। अगर हम इससे बांटना चाहें तो 1343 से 1643 ईस्वी और इसके बाद रीति काल का समय यदि बांटना चाहें तो 1643 से 1843 ईस्वी। अब शुरू होता है आदि काल इसकी समय सीमा है 1843 ईस्वी से अब तक। अब ठीक है। अब आधुनिक काल के भी कई उपभेद किए गए हैं। आधुनिक काल के भी छात्रों कई उपभेद किए गए हैं। कितने उपभेद हैं वो आप पढ़िए। देखिए आधुनिक काल का पहला पड़ाव जो है उसे भारतीय युग के नाम से जाना जाता है। किस युग के नाम से जाना जाता है? भारतीय युग के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो पड़ाव है उसे द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो पड़ाव है आधुनिक काल का उसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद अगला जो पड़ाव है उसे प्रगतिवाद। अगली जो कविता का पड़ाव है उसे प्रयोगवाद। अगला जो पड़ाव है उसे नई कविता। नई कविता अब कविता इस तरह से कई भाग हैं क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कविताओं पर किसी तरह का कोई भी सरकारी प्रतिबंध नहीं होता था। इसलिए कविता का चौमुखी विकास हुआ। उससे पूर्व क्योंकि अंग्रेजों का शासन था इसलिए वो हमेशा हमारे साहित्य पर हमेशा लगाम लगाए हुए थे, जिस कारण से उस तरह के साहित्य की रचना नहीं हो पा रही थी जिस तरह से भारत की स्वतंत्रता के बाद जिस तरह का साहित्य रचा गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद साहित्य छोटे छोटे कई विभागों में बट गया और जबकि भारत की स्वतंत्रता से पूर्व सभी कविताओं का जो मूल उद्देश्य था, सभी काव्यों का मूल उद्देश्य स्वतंत्रता की भावना अवश्य हुआ करती थी, वो धीरे धीरे परिवर्तित हुआ। इसलिए आधुनिक काल में छायावादी युग के बाद धीरे धीरे हमें अचानक ही परिवर्तन मिलता है। छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रगति के बाद प्रयोगवाद, प्रयोग के बाद नई कविता का युग जब आता है तब से कविता का चौमुखी विकास हुआ। नई कविता के भी कई रूप हुए, उसमें नकिनवाद, अकविता, समकालीन कविता, सहज कविता, इस तरह की प्रवृत्ति हमें देखने को मिल जाती है। तो भारतीय युग की समय सीमा जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1843 से 1900 ईस्वी। इसका समय 1900 द्विवेदी युग का समय 1900 से 1918 ईस्वी। छायावादी युग का समय 1918 से 1936 ईस्वी। इसके बाद प्रगतिवाद का समय 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी और ताल सप्तक के प्रकाशन के बाद 1943 से
कविताओं में होने लगा या जिन कविताओं ने पुरानी परंपराओं को पूरी तरह से तोड़ दिया, अर्थात पुरानी तरह की जो भी कविताएं उनसे आगे निकलकर जिन कविताओं ने, जैसे पुरानी कविताओं में छंद हुआ करता था, दोहा चौपाई सूखा नूला छप्पाई कुंडलिया इत्यादि छंदों में जो रचनाएं होती थी, आधुनिक काल में मुक्तक छंदों में रचनाएं होने लगी। इस तरह की प्रवृत्ति हमें आधुनिक काल की कविताओं में देखने को मिल जाती है। छात्रों ध्यान दीजिएगा कि हमें पढ़ना कहाँ तक है, हमें पढ़ना है क्योंकि जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो हमने से 57 साल आगे चलता है। तो देखिए
श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मित्र और गणेश बिहारी मित्र तीन भाइयों को मिश्र बंधु के नाम से हिंदी साहित्य में जाना जाता है। तो मिश्र बंधु आदि काल का समय मानते हैं 1869 में आदि काल की समय सीमा निर्धारित करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी, अब राम स्वरूप चतुर्वेदी क्या बताते हैं, 1850 ईस्वी से अब तक के समय को आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ छात्रों, अगर आपसे पूछता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय कब से कब तक माना, तो 1843 ईस्वी से अब तक, मित्र बंधु ने 1869 ईस्वी, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने तो 1850 ईस्वी से अब तक। अब ध्यान दीजिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अलावा 1843 ईस्वी आधुनिक काल का समय निर्धारित करने वाले अन्य दो और विद्वानों का नाम दिया जाता है। वो विद्वान है श्याम सुंदर दास और डॉक्टर राम कुमार वर्मा। श्याम सुंदर दास और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है, श्याम सुंदर दास और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है। ये दो अन्य प्रसिद्ध विद्वान हैं जिन्होंने आधुनिक काल का समय 1843 विक्रम 1843 ईस्वी माना है। अब आधुनिक काल बताना चाहूंगा। आधुनिक काल में साहित्य का चौमुखी विकास हुआ। पहले जो साहित्य होता था उस साहित्य को लिखने का एकमात्र साधन पद्य हुआ करता, लेकिन आधुनिक काल में क्या परिवर्तन है अब वो आप समझिए कि एक तो आधुनिक काल का गद्य खंड है और दूसरा आधुनिक काल का पद्य खंड या काव्य खंड है। क्या आधुनिक काल का पद्य खंड या काव्य खंड है? अब देखिए इसमें भी काव्य खंड में एक पुरानी धारा है और एक नई धारा है। काव्य खंड को जब हम देखेंगे तो एक पुरानी काव्य धारा को लेकर, जैसे रीतिकालीन कवियों ने जिस तरह की रचनाएं की उस धारा को लेकर चलने वाली एक काव्य धारा है और दूसरा नई काव्य धारा है। नई अर्थात जिसमें नवीनता की सृष्टि हमें देखने को मिल जाती है, जिसमें नित नूतनता हम देख पाते हैं, इस तरह की काव्य धारा देखने को मिलती है। तो छात्रों ध्यान दीजिएगा कि नई काव्य धारा में कितने तरह के परिवर्तन हुए वो मैं आपको बताऊंगा। नई काव्य धारा लगातार परिवर्तित होती रही। प्रथम उत्थान या भारतीय युग, प्रथम उत्थान या भारतीय युग,
तो छात्रों इसके अलावा चतुर्थ और पंचम उत्थान यानी प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, हमें प्रथम उत्थान या भारतेंदु युग पढ़ना है, द्वितीय उत्थान या द्विवेदी युग पढ़ना है, तृतीय उत्थान या छायावादी युग तक ही इस पाठ्यक्रम में पढ़ना है। तो मैंने इन्हीं नई धारा में केवल इन्हीं तीनों को जोड़ने का प्रयास किया है। फिर इसके बाद छात्रों आप ध्यान देंगे कि इन तीनों धाराओं के अलावा पुरानी धारा अपने रूप में सतत प्रवाहमान रही है, उसमें कोई विशेष ढंग का परिवर्तन नहीं हुआ है। पुरानी धारा उसी तरह की काव्य धारा हुआ करती थी। अब गद्य खंड पर जब हम आते हैं तो गद्य खंड में एक ब्रजभाषा में रचनाएं थी और खड़ी बोली में रचनाएं थी। अब खड़ी बोली क्योंकि ब्रजभाषा का धीरे धीरे ह्रास होता गया और ब्रजभाषा का क्षेत्र सीमित होता गया, तो ब्रजभाषा मध्य काल में या भक्ति काल में पूरे भारत पूरे हिंदी प्रदेश भाषा हुआ करती थी। अब वह भाषा केवल मथुरा के आसपास के जो कवि होते थे केवल उन्होंने ही ब्रज भाषा में लेखन करना जारी रखा और खड़ी बोली की कविताएं तीव्र गति से रची जाने लगी। तो खड़ी बोली का अब विकास होता गया और ब्रज भाषा धीरे धीरे साहित्यिक भाषा से अब वह बोली के रूप में परिवर्तित होने लगी। साहित्यिक भाषा साहित्यिक भाषा जो थी उसका क्षेत्र धीरे धीरे संकुचित होना होने लगा। इसमें भी खड़ी बोली के जो गद्य थे उसका भी उसके भी कई भाग थे, प्रथम उत्थान या भारतेंदु युग, द्वितीय उत्थान या द्विवेदी युग, तृतीय उत्थान या छायावादी युग, चतुर्थ उत्थान या प्रगति प्रयोगवादी युग, पंचम उत्थान या नई कविता या आधुनिक समीक्षा का युग। इस तरह से आधुनिक काल की कविताओं के खंड हुए। अब हम आपको छात्रों ये पढ़ाएंगे कि आधुनिक काल में क्या परिस्थितियां कैसी थी, क्यों कविताओं नहीं आएगी। आधुनिक काल की परिस्थितियां क्या थी अब वो मैं आपको बताऊंगा। आधुनिक काल परिस्थितियां क्या थी अब मैं वो आपको बताऊंगा कि आधुनिक काल में क्या वो परिस्थितियां थी जिन्होंने पुरानी काव्य धाराओं का अंत कर दिया और नई काव्य धाराओं का प्रारंभ करना शुरू कर दिया। तो छात्रों चलिए आधुनिक काल की परिस्थितियों में परिस्थितियां पहली परिस्थिति हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक परिस्थिति से पूर्व ही
तभी से हम ये पाते हैं कि नवीन ढंग की स्थितियां हमारे साहित्य में पनपने लगी और वो हमारे साहित्य का रूप लेने लगी और साहित्य धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा। जैसे अब आप ये समझिए कि 1857 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1857 में कौन सा युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध होता है, जहां सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है अंग्रेजों से। सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हो जाता है। रानी लक्ष्मीबाई, टीपू सुल्तान इत्यादि ने जो 1857 में भारत को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया था, वह प्रयास का असफल हो जाता है और वहां से हमारे साहित्य में परिवर्तन होना प्रारंभ होता है। 1857 में प्लासी के युद्ध के बाद, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि युद्ध की स्थितियां अंग्रेजों के प्रति विद्रोह से तो बनी होंगी, लगभग लगभग उसका बीज 20 वर्ष पहले ही बो दिया जाता है। जैसे कोई भी बात होनी होती है तो उसके उसके 10 से 15 वर्ष पूर्व ही परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। उदाहरण के रूप में यदि हम लेना चाहें तो एक तरफ तो जब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई 1800 ईस्वी में, उसके लगभग 20-25 वर्षों बाद हम देखते हैं कि हिंदी में एक अमूलचूल परिवर्तन हुआ। जो हिंदी में केवल काव्य लिखा जा रहा था, अब हिंदी में गद्य भी लिखा जाने लगा। पहला परिवर्तन ये हमें दृष्टिगोचर हुआ। दूसरा परिवर्तन, लघुमानव की प्रतिष्ठा होना शुरू हो गई कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को अधम कोटि का लोग मानते थे, उस व्यक्ति को भी महत्ता धीरे धीरे साहित्य में दी जाने लगी थी। अब कई कविताएं लिखी गई। अब जैसे यदि हम देखना चाहें तो रानी किटकी की कहानी नाम से, जो इंसा अल्लाह खान ने कहानी का स्वरूप दिया, उनके गद्य की भाषा 1900 ईस्वी के महावीर प्रसाद त्रिवेदी की परिष्कृत गद्य की भाषा से मेल खाती है। तो इस तरह की प्रवृत्ति, जैसे कोई भी चीज जब शुरू होती है तो वह अचानक ही परिवर्तित नहीं हो जाती, धीरे 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 उसका बीज बोया जाता है, फिर 15 से 20 वर्षों बाद वह प्रस्तुतित हो जाता है। तो आधुनिक काल भी इसी तरह से था। दूसरी प्रवृत्ति क्या थी कि भारत का जो मजदूर बुनकर अपने स्वरोजगार के माध्यम से जीवन यापन करता था, धीरे धीरे उस पर शासन करना अंग्रेजी कंपनियों ने शुरू कर दिया। अंग्रेजी कंपनियां भारत से कच्चे माल खरीदती थी और वो अपने देश ले जाती और वहां से फिर उस माल को भारत में लाती थी और फिर उसे बेचने का कार्य करती थी। और परिस्थितियां कैसी थी, लगभग 1803 ईस्वी में सिखों ने, 1803 ईस्वी में सिखों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का विरोध किया। उसके अलावा 1856 में वारेन हेस्टिंग्स के आगमन के बाद उसका जो विद्रोह हुआ ये भी, और 1857 में जो पूरे देश के समस्त राजा एकजुट होकर जो लड़ने का प्रयास उन्होंने किया, ये तीन परिस्थितियां देखिए। 1803 में ही कंपनी का विद्रोह हो गया था, लेकिन वो विद्रोह उतना घातक नहीं था कि जितना घातक होना चाहिए था। उधर केवल बीज बोया गया और उसके लगभग 40-50 वर्षों बाद हम देखते हैं कि अंग्रेज पूरी तरह से
भारतीय विद्रोहियों का दमन करने में सफल हो जाते हैं। वो अपने हिसाब से साहित्यिक प्रतिमान देना शुरू कर देते हैं। अब ये नहीं है कि दमन वो कर रहे हैं तो केवल हमारा दमन करेंगे, उन्होंने भी कई अच्छी चीजें दी। साहित्य जो हमारा भक्तिकालीन साहित्य था, जो रीतिकालीन साहित्य था, उसमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति होती थी, अपने अपने देवताओं का गुणगान होता था और कुछ विशेष धन की प्रवृत्तियां देखने को मिल जाती थी। लेकिन जब आधुनिक काल में हम आते हैं तो अंग्रेज जिस तरह के साहित्य की रचना कर रहे थे, उन बिंदुओं को हमारे लेखकों और कवियों ने देखा और उसी तरह की रचना करना हमारे लेखकों और कवियों ने शुरू कर दिया। ये तो थी राजनीतिक परिस्थिति। राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी? 1803 ईस्वी में सिखों द्वारा कंपनी का विरोध और उसके बाद लगभग 1764 में बक्सर के युद्ध में बक्सर के मुगल शासक की पराजय, 1765 ईस्वी में कड़ा के युद्ध के बाद अंग्रेजों का आधिपत्य बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्यों में हो जाना, तो वो परिस्थिति। फिर इसके बाद 1803 में सिखों का विद्रोह। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1849 ईस्वी में सिखों की पराजय, 1854 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा वारेन हेस्टिंग्स द्वारा पूरे भारत को अपना गणराज्य घोषित करना, 1857 में पूरे देश के राजाओं का एकजुट होकर राजनीतिक विद्रोह कर। इस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी थी आधुनिक काल के पूर्व की। और आधुनिक काल जब शुरू होता है तो पूरे भारत पर अंग्रेजों का साम्राज्य लगभग लगभग स्थापित तो हो चुका था और जो भी विद्रोह था वो समाप्त हो चुका था। देश में पूरी तरह से 1857 के बाद शांति स्थापित हो चुकी थी। कहीं भी किसी भी तरह का व्यापक स्तर पर युद्ध की स्थिति नहीं बनी थी। अतः साहित्य में नवीनता धीरे धीरे आने लगी थी। राजनीतिक परिस्थिति कुछ इस तरह की थी। फिर इसके बाद आधुनिक काल की सामाजिक परिस्थिति कैसी थी? आधुनिक काल की सामाजिक परिस्थिति ऐसी थी कि समाज में भेदभाव, छुआछूत इत्यादि गुण विद्यमान थे। तो छात्रों, सामाजिक परिस्थिति कुछ इस तरह की थी कि अब पूरे भारत में अंग्रेज चर्चित हो चुके थे। एक तरफ हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति, दूसरी तरफ अंग्रेजों की संस्कृति। भारतीय संस्कृति में ऊंच नीच, भेदभाव, विधवा, यदि किसी के पति की मृत्यु हो जाती थी तो उस समय उसे जलाने की जो प्रक्रिया थी वो भी कि जिंदा व्यक्ति को सती प्रथा जिसे कहते हैं, सती प्रथा। बाल विवाह अर्थात बचपन में ही स्त्रियों का विवाह कर दिया जाता था, इस तरह की बातें विद्यमान थी। और दूसरी तरफ अंग्रेजों की संस्कृति थी। अंग्रेजों में बहुविवाह, एक व्यक्ति कई विवाह कर लेता था। इसके अलावा उनकी जो कंपनी वाली सोच थी, अर्थात वो प्रत्येक व्यक्ति को मशीनी जो सोच आप कह सकते हैं, जो मशीनी सोच थी, व्यक्ति के प्रति मशीनी सोच, एक दूसरों से लाभ उठाने की इच्छा, इस तरह की जो प्रवृत्ति थी, अर्थात आप सामूहिक रूप में ये कह सकते हैं कि पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियों का मेल हो रहा था। और उस समय 1857 ईस्वी के बाद इन संस्कृतियों के
इधर हमारे हमने कुलीन इस तरह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इस तरह के चार वर्गों में भारतीय समाज बटा हुआ था, तो अंग्रेजों का भी समाज कई वर्गों में बटा हुआ था, जैसे सामंत मजदूर काला गोरा इस तरह का उनका भेद था। तो कुरीतियां इधर भी थी, कुरीतियां उधर भी थी। जब दोनों का मेल हुआ तो दोनों के सुधार के लिए नवीन उद्भावनाएं हमारे विचारकों, हमारे मनीषियों और अन्य लोगों द्वारा स्थापित हुई, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं उभर कर आई। Thank you.
परंपराओं का पालन करते हुए आगे बढ़ने की कला का विकास करने का प्रयास दयानंद सरस्वती ने अपनी संस्था आर्य समाज के माध्यम से शुरू किया। फिर इसके बाद 1875 ईस्वी में मैडम ब्लावस्की ने थियोसोफिकल नामक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका प्रचार प्रसार भारत में एमी बेसेंट ने किया। यह संस्था ऐसी संस्था थी जो निस्वार्थ भाव से गरीब लोगों की, अनपढ़ लोगों की, मलिन बस्तियों में जाकर उन्हें शिक्षा देना और उन्हें भी समाज में बैठने उठने का समान अवसर प्रदान करने की परंपरा का विकास करने का काम थियोसोफिकल सोसाइटी ने एनी बेसेंट की प्रेरणा से भारत में करना शुरू किया। फिर इसके बाद आप स्वामी विवेकानंद जी से परिचित ही हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश मानने की परंपरा को उन्होंने जन्म दिया। उन्होंने वेदों के निष्कर्ष अहम ब्रह्मास्मि अर्थात हम ब्रह्मा हैं, अर्थात मैं भी ईश्वर का अंश हूँ और अगला भी ईश्वर का अंश है, यदि हम उसे किसी तरह से कष्ट पहुंचाएंगे तो हम अपने देवी और देवताओं को कष्ट पहुंचा रहे हैं। इस तरह की भावना का जन्म स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय समाज में दिया। अब ये जो सामाजिक परिस्थिति ये थी कि पूर्वी और पश्चिमी सभ्यता के मेल की परिस्थिति थी, अब ये हो गई सामाजिक परिस्थिति। अब सांस्कृतिक परिस्थिति देखिए कि सांस्कृतिक परिस्थिति तत्कालीन समय में कैसी थी, अर्थात आधुनिक काल में हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में सांस्कृतिक परिस्थिति। छात्रों, अब आपने पढ़ा राजनीतिक परिस्थिति कैसी थी। राजनीतिक परिस्थिति ऐसी थी कि आधुनिक काल से पूर्व जहां अंग्रेजों से लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वह 1857 के बाद वो लड़ाई झगड़े धीरे धीरे समाप्त हो चुके थे, अब देश में शांति स्थापित हो चुकी थी, तो राजनीतिक एक रूपता ये आप कह सकते हैं आधुनिक काल में, जिस कारण से साहित्य का हमारे साहित्य में नवीन रूप देखने को मिलता है। फिर इसके बाद आपने देखा सामाजिक परिस्थिति कैसी थी कि हमारे समाज में ऊंच नीच का भेदभाव था और उनके भी समाज में ऊंच नीच का भेदभाव था, तो उन्हें दूर करने का प्रयास विभिन्न सभाओं और संस्थाओं ने किया। अब तीसरी जो परिस्थिति है वो सांस्कृतिक परिस्थिति है। संस्कृति कैसी है, अब रहन सहन, खान पान और पहनावा, अंग्रेज हमारे यहाँ की संस्कृति ऐसी थी कि हमारा रहन सहन सादा जीवन और उच्च विचार, हम सादा जीवन व्यतीत करते थे, स्वयं कठिनाई में पड़ जाते थे किंतु दूसरों को कठिन परिस्थितियों में नहीं डालते थे। उसके ठीक उलट अंग्रेज थे, वो स्वयं अगर कष्ट में पड़ रहे हैं तो दूसरों को कष्ट में डालकर स्वयं निकल जाने की प्रवृत्ति उनके अंदर विद्यमान थी। अब ये परिस्थिति सांस्कृतिक परिस्थिति दोनों में थी, किंतु अगर अंग्रेजों में एक बात जो थी वो थी एकजुटता। यदि बात आए शासन प्रशासन और राजनीति पर तो वो तुरंत एक हो जाते थे और हमारे यहाँ भेदभाव की परिस्थिति एक तरफ जैसे आधुनिक काल से पूर्व राम कृष्ण की लड़ाई, राम भक्त और कृष्ण भक्त आपस में लड़ते थे, शैव वैष्णव और शाक्त
तीनों तरह के भक्त अपनी अपनी महत्ता का गान करते थे। हिंदू मुस्लिम एक के नहीं था, हमारे यहाँ विविध धर्म थे, वो आपस में किसी न किसी बात को लेकर लड़ते रहते। किंतु हमने अंग्रेजों से क्या सीखा कि अंग्रेजों की एकजुटता को देखकर हमने एकजुट होने का प्रयास किया। ऊंच नीचे और भेदभाव की भावना को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास किया, जिसका दर्शन हम लगभग 100 साल हुआ, यानी आधुनिक काल 1857 में शुरू हुआ और 1947 ईस्वी तक आते आते यानी लगभग 90 सालों बाद हम देखते हैं कि हम एकजुट होकर अपने देश को स्वतंत्र कराने में सफल रहे। तो वो एकजुटता की प्रवृत्ति हमने देखी। हमारा खान पान कैसा था? हम अधिकांशतः चावल, दाल, मक्का इत्यादि खाने इत्यादि का सेवन करते थे। दूसरी तरफ अंग्रेज जो थे वो अधिकांशतः मांसाहार का सेवन करते थे, और उस प्रवृत्ति को देखकर हमारे यहाँ भी इस तरह की संस्कृति का आपसी लेन देन हुआ। यहाँ भी बहुत सारे लोग मांसाहारी हुए, उधर के बहुत सारे लोग शाकाहारी हुए, तो हमने एक दूसरे पर प्रभाव छोड़ना शुरू किया। तीसरी जो बात थी वो ये बात थी कि पहनावा, हमारे यहाँ हम धोती कुर्ता पहनते थे और वो पैंट शर्ट कोट इत्यादि पहनते थे, तो वो देखकर हमने उनकी पोशाक को अपनाया और उन्होंने हमारी पोशाक को अपनाना धीरे धीरे शुरू किया। लेकिन उन्होंने अपना प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा छोड़ा और हमने अपना प्रभाव उनके ऊपर कम छोड़ा। तो देखिए सांस्कृतिक परिस्थितियों में आपसी बहुत लेन देन हुआ। पहला रहन सहन, खान पान, पहनावा। अब देखिए यहां पर मनोरंजन का जो साधन था, हमारे यहां मनोरंजन का साधन हिंदी साहित्य में केवल गीत हुआ करते थे, किंतु हमने और अंग्रेजों के यहाँ रोमनी सभ्यता वाले नाटकों का मंचन हो रहा था, तो हमने उनसे नकल करके नाटकों की परंपरा का विकास करना धीरे धीरे शुरू कर दिया। तो इस तरह का प्रभाव पड़ा रहन, अंग्रेजों का प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे रहन सहन पर, खान पान पर, हमारे पहनावे पर और हमारे मनोरंजन के साधनों पर विशेष रूप से पड़ा। अब फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक परिस्थितियों के बाद साहित्यिक परिस्थितियां। साहित्यिक परिस्थिति कैसी थी वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो छात्रों ध्यान दीजिए, साहित्यिक परिस्थिति कैसी थी? हमारे यहाँ विविध धर्म थे और अपने धर्म के अनुसार वो भाषा का उपयोग करते। अब साहित्य में भी देखिए, तो साहित्य में अगर हिंदी भाषा को ही ले लीजिए तो एक तरफ ब्रज भाषा में रचनाएं हो रही थी, दूसरी तरफ अवधि में मैथिली की भी कुछ रचनाएं हो रही थी, उर्दू में भी कई रचनाएं आ रही थी, क्योंकि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व हिंदी और उर्दू भाषा में विशेष कोई अंतर नहीं था। अंतर बस इतना था कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जा रही थी और उर्दू फारसी लिपि में लिखी जा रही थी। अंतर केवल इतना था, शब्दों और अर्थ का कोई विशेष अंतर विद्यमान नहीं था। चार तरह की रचनाएं, इसके अलावा संस्कृत में भी रचनाएं लिखी जा रही थी।
को जन्म देना शुरू कर दिया था। तो ये भी नवीनता थी, अर्थात ये भी आधुनिकता थी, भाषा की आधुनिकता, अर्थात भाषा केवल और खड़ी बोली। आधुनिक काल में भाषा में भी नया है, आधुनिक काल में हिंदी की खड़ी बोली में रचनाएं लिखी जाने लगी, लेखक भी नए नए सामने आने लगे। अब लेखक या कवि किसी विशेष वर्ग के न होकर, किसी विशेष जाति के न होकर, विभिन्न वर्गों से लेखक और कवि भी धीरे धीरे सामने आने लगे। तो छात्रों, मैंने आपको आज आधुनिक काल की साहित्यिक परिस्थितियों का विशेष रूप से अध्ययन करवाया, और इसके अलावा आधुनिक काल की परिस्थितियां और प्रवृत्तियां, यदि आपसे आपके प्रश्न पत्र में आपसे ये पूछा जाता है कि आधुनिक काल की साहित्यिक परिस्थितियां या आधुनिक काल का समय कैसा है, आधुनिक काल, ये जो प्रश्न बनता है कि आधुनिक काल में किस तरह की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिस्थितियां थी, उसका विवेचन कीजिए। तो आशा है आप इस तरह का उत्तर दे देंगे। अगले दिन जब हम मिलेंगे तो हम मैथिली शरण गुप्त को विशेष रूप से पढ़ेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।